हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप वीडियो स्टेटर मेकर ऐप के अंदर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर उस ऐप का वाटरमार्क आ जाता है, तो उस ऐप का वाटरमार्क उस ऐप के अंदर ही कैसे रिमूव करते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको लोगों को यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो बना के यहाँ तक आ जाना है। अगर आपको नहीं पता कि वीडियो इसमें कैसे बनाते हैं तो आप वीडियो कैसे बनाते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि इस ऐप का वाटरमार्क कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप ऊपर इस वीडियो के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इस ऐप ने अपना वाटरमार्क लगा रखा है। तो इसे कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको क्या करना है, उसी वाटरमार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वॉच वॉच पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड लोडिंग हो जाएगा एंड कुछ सेकेंड्स का ऐड चलेगा यहाँ सोशल पर। मीडिया एक ऐसी जैसे ही ऐड यहाँ पर स्किप होगा आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अभी ऐड चल रहा है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐड स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। इसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्वालिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आपको HD क्वालिटी में ही वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। अगर अच्छी क्वालिटी और चाहते हो तो फुल HD क्वालिटी ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना, और अच्छी क्वालिटी में आपका वीडियो सेव हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए थैंक यू।